एंटरटेनमेंट, खाना पीना, कपड़े, सब कुछ फर्क होगा क्लाइमेट की वजह से। पाकिस्तान रिच कंट्री बैक 2000s ऑफ ईयर्स। पाकिस्तान की तारीख जो है वो भी बहुत पुरानी है, जो कि तकरीबन हजारों साल पीछे जाती है। एंड देर आर इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल साइट्स अक्रॉस द कंट्री। बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, यानी कि बहुत सी इस तरह की साइट्स हैं जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत से पुरानी प्लेसेस बनी हुई हैं पाकिस्तान में जो हजारों साल पुरानी हैं। सम ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशंस दैट मेड द कंट्री देयर होम आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द कंधारा सिविलाइजेशन, द डिस्कवरीज एट मेहरगढ़, बलूचिस्तान एंड रहमान दहरी, खैबर पख्तूनख्वा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, मोहनजोदड़ो, टैक्सिला, ठीक है, ये जो एरियाज हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि ये बहुत पुरानी साइट्स हैं, हजारों साल पुराने प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग रहते रहे हैं। हाउएवर टुडे द कंट्री हैज बिकम अ लॉट मोर मॉडर्न। लेकिन अब जो है पाकिस्तान बहुत मॉडर्न हो चुका है। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वो एक एग्जाम्पल है एक प्रॉपर प्लान सिटी की, जिसे वो शहर जो बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, बिकॉज वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, बड़े टाउन्स पाकिस्तान में बनाए गए हैं, बड़े बड़े शहर बनाए गए हैं, उनको लोगों ने डेवलप किया है। अब पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, हाउसेस भी हैं, ऑफिसेस भी हैं, मार्केट्स, बिल्डिंग्स, यहाँ तक के पार्क्स भी हैं बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, रोड्स भी हैं, एरोप्लेन्स, रेलवेज, हर किस्म का। अब मॉडर्न कंट्री के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो सारी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आपके पास सेलफोन्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट गिव मी अ मिनट चिल्ड्रन। ओके, अब देयर इज अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, आर यू प्राउड ऑफ योर कंट्री? क्या आपको अपनी मुल्क के ऊपर, यानी कि अपनी वतन के ऊपर फख्र है? कैन यू मेक थिंग्स दैट अबाउट पाकिस्तान दैट मेक यू हैप्पी? क्या आप इस तरह के चीजें हैं जो जो आपको खुश करती हैं पाकिस्तान में रहते हुए? चलें इस तरह से करते हैं, लेट्स लुक एट सम वंडरफुल थिंग्स अबाउट आवर कंट्री पाकिस्तान। अब कुछ पाकिस्तान की वंडरफुल चीजों के बारे में देखते हैं। अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स के फर्क फर्क किस्म की यहाँ पे चीजें पाई जाती हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं इस मुल्क को, तो डिफरेंट किस्म की आपको चीजें मिलेंगी देखने को, डिफरेंट साइट्स मिलेंगी, ठीक है। यू विल सी दैट पाकिस्तान इज फुल ऑफ कंट्रास्ट। दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कंट्रास्ट, डिफरेंट कंट्रास्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको कि कई पार्ट्स पे डिफरेंट चीजें मिलेंगी और कई पार्ट्स पे डिफरेंट चीजें मिलेंगी। टू द साउथ यू विल सी स्ट्रेच ऑफ द मकरान कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी, फर्दर इनलैंड इन बलूचिस्तान एंड आर इन द प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स रिच इन मिनरल्स। के आप अगर एक साइड पे देखें साउथ वाली साइड पे, तो मकरान कोस्ट लाइन आ जाती है जो कि अरेबियन सी के साथ साथ चल रही है, ठीक है। ये नीचे देखें, दैट्स अरेबियन सी इन द मैप, ठीक है। उसके साथ साथ आपके डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं, प्लेट्यूज हैं, और बहुत से मिनरल्स भी हैं बलूचिस्तान के अंदर। और अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो वहां पे जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, वो वहां पे एक थार डेजर्ट भी आता है, ठीक है। टूवर्ड्स द ईस्ट आर हॉट डस्टी प्लेन्स एंड द डून्स ऑफ द थार डेजर्ट। नो, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द मकरान कोस्ट, जिसकी अभी बात की मैंने, मकरान कोस्ट, ठीक है। मकरान कोस्ट आर स्काई रिजॉर्ट, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो स्काई रिजॉर्ट है, ऊपर मकरान कोस्ट है। एज यू मूव नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, यू विल कम टू फार्म एंड ऑर्किड्स लश विद क्रॉप्स। अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव करें तो आपको बहुत से वहां पे फार्म लैंड्स मिलेंगे और ऑर्किड्स मिलेंगे, यानी कि बहुत से बाग मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के, और डिफरेंट फसलें भी, क्रॉप्स भी वहां पे लगी हुई हैं। स्टिल फर्दर नॉर्थ, अगर आप और मजीद फर्दर की नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, तो यू विल सी ग्रीन कलरफुल वैलीज विद टावरिंग स्नो कैप माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड।
अगर आप फर्दर और नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं तो आपको वहां पे वादियां नजर आएंगी जो के बर्फ के साथ कैप हुई हैं, ठीक है, जिनके ऊपर बर्फ आई हुई है, ठीक है, और ग्रीन कलर की भी वैलीज आपको नजर आएंगी। देर आर ब्यूटिफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप शो हाउ इंटरेस्टिंग अ वेरिड लाइफ इज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत से खूबसूरत लेक्स भी हैं और पाकिस्तान के अंदर बहते हुए दरिया भी हैं, बहुत खूबसूरत, ठीक है, जिनको देख के आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने फर्क फर्क किस्म की चीजें मौजूद हैं, जिन कुदरती तौर पर नेचुरली जिनको देखकर इंसान खुश हो जाता है, ठीक है। द क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक ऑक्यूपेशंस, फूड, ड्रेस, एंटरटेनमेंट एंड इनकम, जिससे हमको पहले जिक्र किया। क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट करता है जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके खाने पीने के ऊपर, उनकी एंटरटेनमेंट पर, उनके जॉब्स पर, किस तरह की जॉब करते हैं, किस तरह का वो कारोबार करते हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं। दिस इज व्हाई इन पाकिस्तान देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट फीचर्स। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, फर्क फर्क किस्म के लोग रहते हैं, उन लोगों के फर्क किस्म की रस्मों रिवाज हैं, फर्क किस्म के ड्रेसेस वो पहनते हैं, इसी वजह से, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट डिफरेंट है। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द ओल्ड एंड द न्यू, ठीक है। अब हम नए पाकिस्तान के और पुराने पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान इज अ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द पास्ट। पाकिस्तान एक वो तहजीब है, एक वो सिविलाइजेशन है, यहाँ पे बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस भी रह के गई गई हैं, यहाँ पर अपनी लाइफ गुजार कर गई हैं, जिस तरह के इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब वो इतनी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा थी, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही थी पहले, वो पास्ट के अंदर, माजी के अंदर। इन सम प्लेसेस देयर आर बिल्डिंग्स और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट रिमाइंड अस ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आवर एंसेस्टर्स। कुछ पुरानी इस तरह की इमारत हैं, ठीक है, इस तरह की इमारतें बनी हुई हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो हमें पुराने टाइम्स की याद दिलाती हैं, ठीक है, थीके? कि हमारे बाप दादा जो थे, फोर फादर्स जो थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो किस तरीके से यहाँ पर रहते थे। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आर पास्ट विच स्टिल इन्फ्लुएंसेस आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो प्लेसेस हैं, ये हमें पुराने दौर की याद दिलाती हैं कि हम पुराने दौर में हमारे बाप दादा, हमारे फोर फादर्स, हमारे इस तरीके उनकी ट्रेडिशंस क्या थी, उनका रस्मों रिवाज क्या थे, उनकी तहजीब किस तरह की थी, ठीक है, वो किस तरीके से रहते थे, ठीक है, और आज भी उनके असरात जो हैं वो हमारी लाइफ्स के ऊपर हैं, आज भी उनकी बनाई हुई रस्म और रिवाज जो हैं उनके ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। वो चाहे आप शादी के लिए, शादी को पे गौर कर लें कि जिस तरह के वेडिंग्स हमारी होती हैं, इसी तरह वो भी वेडिंग्स इसी तरह से करते थे, हमारी काफी रस्म और रिवाज जो हैं उनसे आज भी मिलती जुलती हैं, उन्हीं की तरह हैं, ठीक है। In the modern city like Islamabad or Karachi, there are many fine new buildings. These remind us that Pakistan is a developing nation. आज जो मॉडर्न शहर हैं, यानी कि कराची और इस्लामाबाद, उन्हें उनकी जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता, यानी कि तरक्की करने वाली कौम है, डेवेलपिंग नेशन है, जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है और मॉडर्न होती जा रही है। These, when we travel in an aeroplane, a train, or a car, we are reminded that Pakistan has a modern communication and transportation network that can transport us to any part of the country or the world. जब हम एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं, जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जब हम इतने अच्छे रूट्स के ऊपर अपनी कार्स चलाते तो ड्राइव करते हैं, हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी एक मॉडर्न कंट्री है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन जो है, एक दूसरे से जो राबता है वो कितनी जल्दी से हो जाता है, ठीक है, ओवर द फोन हम एक जगह से दूसरी दुनिया के हिस्से में बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, किस वजह से,
क्योंकि पाकिस्तान जो अब है वो पुराना वाला पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान बहुत मॉडर्न हो चुका हुआ है। ठीक है, इन ओल्ड टाइम्स क्या होता था, यू यूज्ड टू राइट द लेटर्स, ठीक है, आप खत लिखते थे, ठीक है, दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात उसके तक पहुंचाने के लिए आप लेटर्स लिखते थे। लेकिन आजकल के दौर में बिकॉज इट्स अ मॉडर्न कंट्री नाउ, यू जस्ट टैप द बटन, आप बटन टैप करते हैं सेल फोन का, यू डायल अ कॉल और आप उसी वक्त ओवर द रियल टाइम उसी वक्त आप किसी दूसरे इंसान से किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज अ मॉडर्न कंट्री नाउ। ऑल्दो वी आर स्टिल अ मेनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मीन दैट इवन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर एक्सेसिबल एंड इन्फॉर्म अबाउट नेशनल इश्यूज। अब आज के दौर में कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो इतनी तरक्की कर गया हुआ है, इवन दो कि पाकिस्तान आज भी एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, लेकिन फिर भी हमारा कम्युनिकेशन का जो तरीका है या वो नेटवर्क है वो इतना वसी है, इतना फास्ट है और इतना वास्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रिमोट एरिया में, यानी कि पाकिस्तान के रिमोट एरियाज, मतलब कि वो एरियाज जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वहां पर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनको उनके बारे में हमारे नेशनल इश्यूज, यानी कि हमारे जो मुल्क के इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो उनके बारे में उन्हें हम इतला दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, न्यूज के जरिए। कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन एन इन ऑनगोइंग प्रायोरिटी ऑफ फॉर आवर गवर्नमेंट, मेनी पीपल आर बिगनिंग टू हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, clean drinking water and job opportunities. हमारे जो rural areas हैं उधर government की ये तरजीह है, ये priority है कि सबसे पहले वो जो areas हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है, वहाँ पर हुकूमत जो हमारी है, government जो हमारी है, वो वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पर schools बना रही है, colleges बना रही है, वहाँ पर लोगों को clean water जो है साफ पानी पीने के लिए मुहैया करने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, उधर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह, वैकेंसीज वगैरह, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, रोजगार वगैरह क्रिएट करने में लगी हुई है। ठीक है, दे आर स्टिल वर्किंग, गवर्नमेंट अभी भी अपना काम कर रही है ताकि जो दूर एरियाज में रहते हैं उनको क्या मिल सके, उनको जॉब्स मिल सकें, अच्छी एजुकेशन मिल सके, ठीक है, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स बन सके जहाँ पे उनके इलाज हो सके। ओके, नाउ आई मूव, अब ये पिक्चर के अंदर आप देखिए, द टॉप, ऑन द टॉप इट्स कराची, ठीक है, एंड ऑन द बॉटम इज इस्लामाबाद। ये देखें, ऊपर जो है वो इस कराची की पिक्चर है और नीचे इस्लामाबाद की पिक्चर है। आपको देखकर, इस पिक्चर को देखकर लगेगा कि वाकई में कराची, इस्लामाबाद, यानी कि हमारा मुल्क जो है वो अब एक मॉडर्न कंट्री बन चुका है, यानी कि एक मॉडर्न, क्योंकि उसके अंदर अब मॉडर्न सिटीज हैं। ये देखें, आपको देख के इसमें पता चलेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो सिर्फ मॉडर्न कंट्रीज के अंदर होती हैं। जो मॉडर्न ममालिक होते हैं, डेवलपिंग नेशंस होती हैं, उनके अंदर इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, ओके, नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द माकली ग्रेवयार्ड and the Baltet Fort in Hunza. ऊपर वाला जो है वो माकली ग्रेवयार्ड है और नीचे हुंजा का बाल्टित फोर्ट है, यानी कि बाल्टित किला है, फोर्ट को किला कहते हैं। The growing population means that there is increased competition for jobs and that more skilled professionals are needed. क्योंकि दिन ब दिन population ज़्यादा होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से competition भी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, और वो ज्यादा होने की वजह से हाईली स्किल्ड, यानी कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ रही है। हाईली एजुकेशन प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, टीचर, आईटी स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स आर इन डिमांड हियर एंड अब्रॉड। हमारे मुल्क में भी और बाहर की कंट्रीज में भी दिन ब दिन जो सही पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, यानी कि
आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तरक्की होती जा रही है, इस कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, इस वजह से दिन ब दिन इनकी भी जो नीड है वो प्रोफेशनल्स की वो जरूरत ज्यादा होती जा रही है. अ मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज and the government tries to provide these by investing in the different employment sectors. kyunki din ba din zyada se zyada log padhte ja rahe hain, is wajah se unko liye zyada se zyada jobs yani ki naukriyan employments nikalni pad rahi hain, create karni pad rahi hain, aur zyada se zyada employment sector ke upar government jo hai wo kaam kar rahi hai taaki jitne padhe likhe log hain inhe rozgar muhayya kar sake, inhe jobs de sake. This is done by improving infrastructure, roads, transport, links, etc. इस वजह से ये किस तरह से किया जा रहा है? Infrastructure को develop किया जा रहा है. Infrastructure का मतलब ये होता है नए से नए roads बनाना, नए से नए buildings बनाना, ठीक है? उससे क्या होता है? उससे jobs निकलती हैं. जब jobs create होती हैं, फिर आपको नए engineers चाहिए होते हैं, आपको क्या कहते हैं labor भी चाहिए होती है ताकि वो रोड्स बना सके, रोड्स के मैप्स बना सके इंजीनियर्स, ठीक है? और इस वजह से फिर क्या होता है, जब रोड्स बनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंजीनियर्स रिक्वायर होते हैं. जब इंजीनियर्स रिक्वायर होते हैं तो इसका मतलब जॉब देनी पड़ती है आपको. आप उनको जॉब देंगे तो वो रोड्स बनाएंगे ना. इस तरह से एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है उन पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, ताकि उन्हें जॉब्स मिल सकें. And the industrial investing in the industrial, agricultural, and government sectors, and authorizing commercial building projects, hotels, malls, cinemas, and other leisure centers. ठीक है, इस वजह से जरा से hotels, malls, cinemas वगैरह बन रहे हैं जहाँ पे लोगों की जरूरत होती है. इस वजह से इस तरीके से उन्हें jobs मिलती हैं. The CPAC. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपने शायद आपने सुना हो कि सीपैक का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने चाइना के साथ मिलके. चाइना विच इज अ पार्टनर, जो हमारा एक फ्रेंड है, यानी कि हमारा एक दोस्त ममालिक है, यानी कि इट इज अ कंट्री विच इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, ठीक है, हमारे मुल्क का बहुत अच्छा दोस्त है. सिर्फ सीपैक का मतलब क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर. इकोनॉमिक मीन्स के मौशियत, मींस के पैसे से रिलेटेड, इसको हम इकोनॉमिक कहते हैं. कॉरिडोर, कॉरिडोर मींस के एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसी गली जो के पैसों की तरफ यानी के इकोनॉमी की तरफ जाती है. चाइना और पाकिस्तान ने मिलके एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, ठीक है. इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ हाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ट्रेड एज वेल एज बिल्डिंग इट्स ओन इकोनॉमी. ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के साथ मिलके बनाया जा रहा है, जिससे तिजारत हो सके, जिससे और जब तिजारत होगी हमारे मुल्क में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे मुल्क की मौशियत जो है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी, ठीक है. वो किस में डेवलप होगी? क्योंकि जब ये सीपैक का प्रोजेक्ट बनेगा, जब तिजारत स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे बहुत सी जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है. फिर वो हमारे लोगों को, हमारे मुल्क के जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनको वो जॉब्स दी जाएंगी. जब उनको जॉब्स दी जाएंगी, ठीक है, तो फिर उनके घर सैलरीज आएंगी, वो कमाना शुरू कर देंगे, और जब कमाना शुरू कर देंगे तो वो अपने घर की यानी कि अपनी फैमिली की सारी नीड्स को पूरा कर सकेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे. और जब ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो फिर क्या होगा? खुशहाली आएगी. जब खुशहाली आएगी तो हमारा मुल्क क्या करेगा? तरक्की करेगा, लोग इसमें खुश रहेंगे. गिलगित बल्तिस्तान. अब गिलगित बल्तिस्तान की बात कर देते हैं. गिलगित बल्तिस्तान. गिलगित एंड हुंजा आर इन द ब्यूटीफुल माउंटेनियस एरिया टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. गिलगित और हुंजा जो हैं वो नॉर्थ के अंदर आते हैं, ठीक है. वो माउंटेनियस एरिया है, यानी कि पहाड़ी इलाका है जो कि नॉर्थ के अंदर आता है पाकिस्तान में. इट इज अ होम टू केटू. जो केटू यानी कि केटू पहाड़ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, केटू माउंटेन, ये इसी जगह पर आता है, और ये दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंचा पहाड़ है दुनिया का.
The Baltic Fort in the Hunza Valley dates back to 8th century. ये जो बल्तित फोर्ट बना हुआ है पिक्चर के अंदर ऑन द बॉटम राइट, ठीक है, नीचे वाली जो पिक्चर है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं राइट साइड पे, वो बल्तित किला जो है, बल्तित फोर्ट जो है उसकी पिक्चर है जो कि हुंजा के अंदर है और ये 8th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था. एंड द पीपल इन दिस रीजन स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, और यहाँ के लोग मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोलते हैं. उनमें कौन कौन सी जुबानें आ जाती हैं? शीना, बुरुशास्की, बाल्टी, खोवार, वाखी, गुजारी, लद्दाखी एंड दुमाकी. ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ के लोग बोलते थे और कुछ अभी भी बोली जाती हैं यहाँ पर जुबानें. ठीक है, पुराने टाइम से ही ये लैंग्वेजेस चलती आ रही हैं. ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं उनके बारे में हम जानेंगे. द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से इम्पॉर्टेंट शहर हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट सिटीज हैं? कराची विच इज द लार्जेस्ट, कराची जो कि हमारे मुल्क का, हमारी कंट्री का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. उसके बाद फॉलोड बाय लाहौर, उसके बाद लाहौर आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, क्वेटा एंड इस्लामाबाद आर स्मॉलर सिटीज. और ये जो इस्लामाबाद वगैरह हैं ये छोटे शहर हैं हमारे मुल्क के. कराची सबसे बड़ा शहर है और बाकी सारी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से लेके नीचे तक जो मैंने रीडिंग की है अभी, कराची से लेके उसके बाद लाहौर, फिर फैसलाबाद, ये सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट सिटी कराची, उसके बाद लाहौर आ जाता है, उसके बाद फैसलाबाद, उस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर सिटीज़ की तरफ हम मूव कर रहे हैं. This map shows some of these cities and give you some information about them. ये जो map है on your right side, ये हमें हमारी important cities जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी information provide करता है. ठीक है, so इस्लामाबाद जो कि सबसे smaller city है, जो कि हमारे मुल्क का capital भी है, हम इससे start करेंगे. Then we're going to move to different cities. फिर इस्लामाबाद के बाद हम कराची की बात करेंगे, फिर लाहौर की बात करेंगे, फिर क्वेटा की बात करेंगे, पेशावर की बात करेंगे. दिस इज ऑल, दीज ऑल सिटीज आर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आर कंट्री के अंदर हम इन सारे सिटीज के बारे में, इन सारे शहरों के बारे में जानेंगे. ठीक है, कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं. ओके, सो फॉर टुडे दिस इज फॉर टुडे दिस इज, ठीक है, आज इतना ही था. ठीक है, दिस इज अप फॉर डन फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था. टुमारो वी गोइंग टू स्टार्ट अबाउट सिटीज, कल हम सिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे कि ये सिटीज किस तरह की हैं, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ की पॉपुलेशन किस तरह की है. ठीक है, इस इधर के इन सिटीज के की जो ओल्ड साइट्स हैं, यानी कि पुरानी बिल्डिंग जो हैं वो कौन कौन सी हैं, वो किस टाइम में बनी, ठीक है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, हम इन सिटीज़ के बारे में ये कल यानी कि टुमारो वी गोइंग टू रीड एंड वी गोइंग टू नो अबाउट दीज सिटीज़ टुमारो. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है और कल हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हमारी कंट्री की जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ.